अस्सलाम वालेकुम मेरे ऑल व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? मेरी सब बहन भाई सब ठीक हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगी और अपने घर में सब खैर खैरियत से होगी। तो जैसे आपने थंबनेल से देखा होगा, तो करते हैं वीडियो का आगाज़ यहाँ से। जो ये शाहिद का और उसका जो मसला चल रहा था, शाहिद का और उज़्मा का, तो वो मुझे काफ़ी कमेंट आए उसमें। उन्होंने कहा कि जी आप वो बताएं कि ये इनका क्यों नहीं हो पा रहा ना, क्या वजह क्या है। देखें, उन सबसे पहली बात तो ये, मैं सबको क्लियर करता जाऊं, देखिए हर काम का अपना तरीका होता है। जब हर काम को अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से करते हो ना, तो वही काम बेटर होता है। कि उनका जो मामला था, वो अली के साथ जो भी मामला था कि जी हमने वो डिलीट कर दी थी, तो वो चैनल डिलीट हो गए थे, तो ये हो गया था। वो चैनल डिलीट नहीं हुए थे, वो हाइड हुए हुए थे, पे सिचुएशन थी, ठीक है। तो आप उस टाइम पे देखें कि शाहिद का जो उनका अली के साथ जो घर पे जो मामला जो चल रहे थे बीवी के साथ, वो भी सारे गलत थे। जो उनके वो घर में जैसे भी था, जो कुछ वो कह रहा था, तो वो गलत था। जैसे पब्लिक ने कहा कि ये चीज़ गलत है, तो बिल्कुल गलत थी वो जो कह रहे थे अपनी बीवी के साथ। फिर मीडिया पे लेके आ रहे हैं और ये सब कुछ दिखा रहे हैं, फिर लोग तो बातें करते हैं। रही उसके अंदर के वो जो मामला था ना, उस मामले में जरा आप जरा थोड़ा सा समझें कि जिस टाइम पे वीडियो डिलीट हुई थी ना, जूतियों वाली, जो तीन बहनों पे जो जूती उठी थी, तो वो जब डिलीट हुई थी ना, तो उस टाइम के बाद साथ ही ये मसला बन गया था, ठीक है। फिर अली का साथ घर का जो मसला चल रहा था, तो उस टाइम पे अली को और कुछ नजर नहीं आया, उसको पता था कि मैं बहुत बुरा स्टक हो गया हूँ। उसने उस टाइम पे सोचा कि मुझे कोई यहाँ पे हल करना चाहिए, या मुझे कोई हल निकालना चाहिए, क्या करूँ। तो आखिरकार उसने फिर आखिर यहाँ इसका, क्योंकि ये मामला उसके नज़र में बहुत पहले ही चल रहा था। आपको याद होगा जो जैतून वाली जो बात हुई थी ना, ये वहां से ही मामला चल रहा था। करते 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 अब आके जरा थोड़ा वो सीरियस हो गया, क्योंकि बात इसी ने की थी, क्या नाम है, ये जो शाहिद है इसी ने बात रखी थी। जो भी इनके आपस में बातें चलती रही चलती रही, आखिरकार जी वो बातें यहाँ तक आ गई कि उसने कहा भी ठीक है, अगर तुम नहीं करते हो तो ये है। अभी चैनल तो उसके अंदर से जहरी बात है, तो जहरी बात है, जब कोई किसी के पास कोई चाबी होती है, तो वो फिर उसको डराता भी है, धमकाता भी है, और अपने तरीके से काम भी करवाता है। तो जो ये करते रहे करते रहे। एनीवे जी, उसके अंदर जो भी मामला हुआ वो आप सबने देखा भी, बाकी जो है वो भी आपके सामने देखें। अगर वो जो उसके पुराने जो चैनल थे, तो उन पर इतने व्यू तो नहीं आ रहे थे ना, जितने ये नया चैनल खोल के जो सपोर्ट ली गई, शॉर्ट आउट दिए गए, उसके बाद ये चैनल पे ज़्यादा व्यू आ रहा है। तो सही बात है भाई, समझदार के लिए इशारा बड़ा होता है, कुछ बातें समझने के लिए होती हैं। सब कुछ खाली वो नहीं होता कि हलवा सामने पड़ा हो तो सब कुछ बंदा बता दे रख के, तो ऐसे तो नहीं होता, खुद को भी कुछ समझना होता है। रही बात, उन्होंने ऐसे चैनल जब भी थोड़ा चल जाएगा तो साथ में वो चैनल भी जाहिर हो जाएगा आपके सामने, देखते जाएँ आप भी। तो रही बात भाई, अली जो है उसको तो भाई को समझाया है, वो भाई भी इंशाल्लाह करीब समझ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो भाई है अपना वो भी। तो रही बात के जी जो वीडियो डिलीट की थी, उसमें अभी भी कहा जा रहा है कि जी वो जो वीडियो डिलीट हुई थी जूती वाली, तो वो क्लियर कट बताया जाए। वो देखें, वो गफार ने भी वीडियो बनाई है, मेरा ख्याल है उसमें भी उसने सारा कहा था। तो एनीवे वो मैं कल इंशाल्लाह मेरी वो वीडियो आ रही है, आप उसमें देख लोगे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, कि वो आया मामला वो भी सारा मैंने किया था आपके सामने, जो था वीडियो डिलीट जो हुई थी। और समझदार के इतना इशारा बड़ा है कि ना तो मैंने गफार को वहाँ पे बुलाया था, गफार खुद ही अभी भी आया था, और उसने जैसे कहा तो उससे अगले दिन उसका काम हो गया। तो एनीवे देखें जी, अगर उस टाइम पे 3 माह से 4 माह से मसला चल रहा था, तो तब क्यों नहीं हल हुआ, तब क्यों नहीं हुआ? तो मुझे तो एक दिन हुआ था खाली पता लगा, तो हो गया था काम। बहरहाल वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो करने वाला भी मैं बैठा हूँ, ठीक है। देखिए कुछ बातें होती हैं नेकी की, तो नेकी करके इंसान जताता नहीं है। मैंने शुरू दिन से कहा था कि नेकी जो करता है ना, वो दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी ना पता हो। तो एनीवे इन लोगों ने नहीं जीना राम ने किया हुआ था कि नहीं जी बताएं बताएं बताएं, तो वो मैंने बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, तो मैं उसमें आप लोगों को सब फिर बता दूंगा, ठीक है, सारा खुल के क्या मामला हुआ था, कैसे दरख्वास्तें हुई थी, आपस में क्या मुआहदा इनका हुआ, कि उसके बाद फिर कैसे इनकी सुलह हुई, वो सारा मैं आपको बताऊँगा। तो एनीवे जिसने क्राइम लेना जी, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है, जिसने लेना ले। मैंने सिर्फ एक नेकी की हुई है और मैं नेकी के हद तक रहता हूँ, ठीक है। तो ना नेकी ज़ाया की जाए, लेकिन लोगों ने कहा नहीं जी बताएं बताएं, तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसमें मैं आपको सारा बता दूंगा। और ये जो मामला था, ये आपको मैंने सारा बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ गेम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गेम है। उज़्मा की और उनकी आपस में जो सुलह हुई है आज, वो मुझे उसके बारे में खुशी है, शाहिद की और उज़्मा की, चलो ठीक है, शमाइला बहन की भी। तो बाकी बहरहाल जी, आप लोग भी समझदार हो, आप भी समझ आया करो, कुछ बातें समझने के लिए होती हैं। तो हाइड है, डिलीट नहीं है, ठीक है।
डिलीट की इसके ऊपर एक उन्होंने रखी हुई है कुछ शर्त है जो कि शर्त वो पूरी नहीं होने देनी, ठीक है, जो वो सोच के बैठे हैं वो तो हरगिज भी पूरी नहीं होने देनी, ठीक है, कि वो किसी को दे देंगे या कुछ कर देंगे तो वो वीडियो डिलीट कर देंगे या अपनी वीडियो अंदर कोई और लगा देगा, तो ऐसा तो होने नहीं वाला, ठीक है। जिसका चैनल है या तो उसी को वापस जाएगा तो भाई या फिर डिलीट ही मारो, ठीक है, इसका यही हाल है। लेकिन अभी तक जो है वो चैनल हाइड है। अब असल में इस चैनल के अंदर भी एक बहुत बड़ा हाथ है, वो हाथ क्या है जरा सुने। इनके आपस के जो मामलात हैं, अब आप देखें कल शाहिद की वीडियो जो आपने देखी होगी, वह शाहिद की वीडियो, उसमें वो देखें 50-50 बात करता है, प्रॉपर वो बात नहीं कर रहा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जब किसी का लॉस होता है ना, ठीक है, तो भाई उस लॉस को ना वो अपने इजहार भी करता है कि मुझे क्या हुआ, मेरे साथ क्या बीती, क्या हुआ, वो कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। अगर अली ने अगर इतना बुरा किया था तो भाई तुम सरेआम आके कहो ना कि उस अली ने मेरे साथ ये हरकत की है, उस अली ने मेरे साथ ये हरकत की है, जो कि नहीं, उज़्वा के मुंह से ऐसी बातें कोई नहीं निकली अली के बारे में, क्यों, ये अंदर से सब एक है। ये चैनल का जो मामला था, वो चैनल असल में, इस चैनल के अंदर एक और भी रोल है उस बंदे का, मैं उसका नाम नहीं लेना पसंद करता क्योंकि मुझे वो बंदा बहुत जहर लगता है, सीधी सी पूछें तो, क्योंकि जो फितना बंदा होता है ना उसे मेरी लगती नहीं है। वो बंदा असल में इनके अंदर बहुत बड़ी जो है ना फसाद की जड़ जो है ना वो बंदा मेन ये है। कहते हैं जब इंसान को जब अपने जब काटने लग जाते हैं ना तो फिर बंदे को बहुत अच्छे होश जो है ना वो टिकाने भी आते हैं, दिन में भी बंदे को तारे नजर आते हैं। वो बंदा चाहता है कि उसके बराबर पे जो है ना वो कोई भी बंदा ना आ सके, तो एनीवे अपना काम ये करें, हम भी अपना काम कर रहे हैं। रही बात इनकी कि इन्होंने जो कहा कि जी वहां पे जो मैंने को बताया अभी, वो जो बंदा है वो बर्दाश्त नहीं करना पा रहा, उसके साथ अंदर एक और बंदा है, ठीक है, जिसकी वजह से सारी नौबत ये पेश आई, चैनल तक बात पहुंची। अली ने कहा अच्छा ये बात है तो भाई फिर मैं भी ये करता हूं, तुम अगर ये करोगे तो मैं भी ये करता हूं, चलो एनीवे जो भी जिसको अच्छा लगा उन्होंने किया, अब आगे हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। रही बात उस्मान ने, तो ना इन लोगों ने पहले भी कहा, इन्होंने उसको नहीं क्लियर कट किया कि भी ये गलत था या इसने ये किया, बिल्कुल नहीं, वो एक बिल्कुल एक प्राइवेसी रखे, जैसे कहते हैं ना वो हिडन रख के बात करना चाह रहे हैं, तो भाई ये हिडन रख के बात किसी तरीके से होती है, ऐसे नहीं होती। उसकी बात है जो शाहिद की, तो ठीक है इन्होंने उसके साथ जो भी किया, और जो हाँ जो शमाइला जो बहन है उन्होंने जो भी उनका रोल है, इन्होंने कहा जी उन्होंने गलत किया, वो वीडियो लीक की तो वो गलत किया, ये है वो है, बहरहाल मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता, ठीक है, कैद की जिंदगी से निकाला तो राशन दिया, जो भी किया वो अच्छा किया आपने, तो चले देखें जो अच्छे करते हैं वो मैं मानता हूँ, जो गलत होता है उसको वो भी मानता हूँ। तो एनीवे मुझे आपकी वो बात जो थी ना, मुझे देखें ऐसा नहीं किसी के साथ करना चाहिए कि अगर उससे कोई आपके ऊपर वीडियो बनाई तो आपने उसको स्ट्राइक दे दी, ये कहाँ की इंसानियत है, ऐसा तो नहीं, तो ऐसे तो देखें फिर वो भी तो कर ही रहे हैं ना, तो ऐसे तो ना करें ना, मतलब आपस में अगर एक दूसरे को, आपको एक बात बताऊँ, अगर मुझे किसी ने कहा था कि अतील भाई आप इन सब की सुलह क्यों नहीं कराते लैया वालों की एक दूसरे के साथ, तो मैंने इनको कहा सीधा सा सवाल, इसका जवाब भी बहुत सादा है, कमेंट में मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा वीडियो में जाके दूंगा, तो देखो भाई यहाँ पे सबकी दुकानदारियां चल रही हैं, ठीक है, तो लिहाजा अगर ये बंद कर देंगे ना लैया वाले एक दूसरे के ऊपर ये जो वीडियो बना रहे हैं, यही तो इनके पास ब्लॉगिंग है, यही इनके पास कंटेंट है, तो भाई इसने जिस दिन इनके आपस में सुलह हो जाएगी ना तो कहानियां खत्म हो जाएंगी, YouTube पे इनके ना वीडियो ना व्यू ना कुछ नहीं, कौन देखेगा, तो लिहाजा ये काम चल रहा है तो चल रहे, तो किसी गरीब के भले हो रहे तो होने दो भाई, कोई बात नहीं, पता चलो। देखें शाहिद का जो कहते हैं ना जी वो बंदा अच्छा है, ये है वो है, तो कहते हैं जिसके साथ पाला पड़ा होता है ना उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है, हर इंसान की अपनी राय है, तो जो हमें पता है ना उस बंदे के बारे में, मैं उसको खानदानी मानता हूँ, उस बंदे को खानदानी मानता हूँ जो किसी की कम से कम इंसानियत रखते हुए ना जिस टाइम पे जो जरूरत पड़े ना तो उसको वो करके दिखाए, ठीक है। रही बात उसको माने, वो चाहे मैं वो भी अच्छे हैं जो एलवी के हैं, क्या नाम है, अपना चैनल वाले हैं, सां भाई हैं, उसमें पेंडू भाई जो है और पेंडू मुंडा जो है वो है, वकार उनका नाम है, और जो क्या नाम है मुदसर साहब जो हैं, ये सारे ठीक है अच्छे हैं, शुमाइला इन्होंने बहुत सपोर्ट किया उनके चैनल पर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो रही बात देखें जी, मैं बात करता हूँ न्यूट्रल, ठीक है, जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको अच्छा लगता है वो लगे, तो चलूँ कि देखें शाहिद अगर इतना अच्छा है ना तो शाहिद ने जिस टाइम पे मुंह बोली बहन की तरफ से अमदादें आ रही थी उनका तो बहुत जल्दी बताया जा रहा था कि हमें तो यहाँ से ये आ रहा है तो वो आ रहा, तो वो भी बहन भी अब आगे से उन्हीं के गीत गा रही हैं, तो भाई जिन्होंने जो हमें पता है
आप लोगों के बताए हुए सामने वीडियो पे देखते हुए हम लोग उसी पे बात करनी है ना। तो जिन्होंने आप लोगों को वो दिए हैं, क्या नाम है, आपको आपके चैनल पे कम्युनिटी पे लगवाए हैं, ठीक है, आपको उन्होंने वो दिए शट आउट दिए कि जी आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें, ये करें तो वो करें, तो भाई इसका काम नहीं बनता था, ये शाहिद का उज़्मा का काम नहीं बनता था, उनका कम से कम अप्रिशिएट करते जिन जिन्होंने किया, ठीक है, उन्होंने जो किया उन्होंने अच्छा काम किया, तो जो अच्छा काम करता है उसको कहना चाहिए, इसमें कौन सी बात है ना, अपनी जगह होती है इंसान की, अच्छे बुरा जो काम करता है उसको कहना भी चाहिए। उन्होंने किया तो उन्होंने तो कोई नाम नहीं लिया उनका, ठीक है, उल्टा बल्कि उनको वो कह दी, उन्होंने वो बात वो वीडियो लीक की थी शुमाइला बहन ने, हालांकि मेरा उनसे भी कोई तलक नहीं है ना मेरा उनसे कोई कंटेक्ट है, तो मैं बात करता हूँ उल्टा, ठीक है भी, अगर उन्होंने कहा भी या उन्होंने वो वीडियो कर भी दी थी तो भाई तुम्हारे लिए की थी ना, तुम वहाँ पे जैसे भी रह रहे थे जो भी थे उसने तुम्हें वहाँ से निकाला ही है ना, और क्या किया है। बहरहाल वो एक अलग इनका इशू है, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो एनीवे भी ये शाहिद साहब जो है ना, जितने पानी में आए मैं इनको जानता हूँ, ठीक है, शाहिद साहब क्या है, क्या ये कितना है, क्या इसने किया, वो सारा पता है, और ये सिर्फ एक अंदर की मिली भगत है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिली भगत है। वो मिली भगत क्या है कि जितने दिन वो चैनल आ जाएंगे सामने सबके, ठीक है, ये चैनल भी जरा दो दो चैनल बनाने थे, असल में आजकल आपको पता ना एक फतूर चढ़ा हुआ है, शादियां करनी है तो दो, चैनल बनाने हैं तो दो, तो ये सब चलने थे, कैद की जिंदगी से निकाला तो आजाद किया, तो उसमें तो अच्छी बात है। एनी वो उनका जो भी अख्तलाफात थे वो मुझे अभी पता लगा कि उनके आपस में सुलह हो गई है, तो मुझे बहरहाल दिली खुशी है, ठीक है, सुलह हुई, क्योंकि मैं तो खुद ऐसा बनता हूँ कि जो एक दूसरे को मिलाते हैं या मिलते हैं तो मुझे खुद दिली खुशी होती है, ठीक है, जिसने किया आई अप्रिशिएट, मैं उस पर करता हूँ और बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपने नोट की थी बात कि जैसे कल मैंने वीडियो डाली थी कि ये बता नहीं रहे और इस तरह सबको ये बता नहीं रहे, आए साफ खुल के आगे बताएंगे कि ये मसला इन्होंने किया है, ये मामला है, लेकिन नहीं, जैसे ही मेरी कल वीडियो आती है तो देख ले, उसी दिन कल ही उसकी वीडियो आ गई है, मेरी वीडियो के बाद फिर उसने आगे सबको बताया, जैसे भी कल उसने आगे 50-50 बताया कि अली ने ये कर दिया शाहिद ने, बात शाहिद की कह रहा हूँ, तो देखें मेरी वीडियो के बाद ही शाहिद ने वीडियो डाली है, वरना वो 3-4 दिन 5 दिन पहले ऐसे निकलते रहे हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो चलो कोई नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा अगर इनको असर भी होता है तो वो ज़्यादा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि उतना करो जितना पचा लो तो उतना ही करना चाहिए, बर्दाश्त कर लें उतना ही, इनको कोई बात नहीं, भाई हैं सारे, लेकिन बात जो गलत है वो गलत है। रही बात दूसरी, जो इनकी वो जो बहन है उस पर तो मुझे हंसी आती है, यकीन करें उस बहन पर तो मेरी हंसी छूट जाती है, वो बहन मुझे समझ नहीं आती, मिनटों सेकेंटों में वो पल में माशा और पल में वो सोना हो जाती है, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी। अच्छा जी, उनकी वो मुझे कल देखा है, वो कहती हैं जी कि मैं स्ट्राइके दे दूंगी, मैं कॉपीराइट। अच्छा जी, मेरी बहन देखें, मैं बड़ा मोहतबाना आपसे ना गुजारिश करता हूँ, देखें अगर आप मुझे एक बात का जवाब दे दें इस बात का कि जो आप करें, लिया वाले करें, अली आपका भाई करे, वो सब जायज़ है। अगला भी आपको दिखाता है कि भाई ये आपने गलत किया या आपने ठीक किया, तो आप कहते हैं जी हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई ये कोई, आप किस दुनिया में रहते हो मेरी बहन, क्या चांद पे रहते हो या जमीन पे रहते हो, मुझे ये तो पहले बताओ कि हम करें तो करैक्टर लीला और आप करो तो राम लीला, ऐसा तो नहीं होता ना। एनीवे वो भी बहन है तो ऐसा नहीं होता। बहन देखें, अगर आपने किसी के लिए, देखें वो आपको सब कुछ दिखाते हैं ना, जो आपने किए हैं वही आपको सबको दिखाते हैं। और देखें इवन कि मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आप ये मामले से पहले कैसी थी और इस मामले में आप कैसी हो गई, इवन के आप भी उसका नाम नहीं लेना चाह रही। अब यहाँ पे देखिए जो ऑडियंस होती है, अगर उसको तो जवाब देना होता है ना, ऑडियंस क्या देखेगी कि ये बहन तो पहले उनके साथ कनेक्टेड थी और अभी जैसे ये मामला पेश आता तो कहती है जी आप उनको सपोर्ट करें, आपने उनको जैसा किया भी है चले वो अच्छी बात है, जो आपने किया वो आप पे अप्रिशिएट भी करता हूँ, दिया आपने उनको राशन दिया, जो भी किया वो अच्छा किया आपने, तो चले देखें जो अच्छे करता है वो मैं मानता हूँ, जो गलत होता है उसको वो भी मानता हूँ। तो एनीवे मुझे आपकी वो बात जो थी ना, मुझे देखें ऐसा नहीं किसी के साथ करना चाहिए कि अगर किया क्या जी ये हो गया तो वो हो गया। एनीवे जी, आप मैं इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो जाएगी तो अब जो है ना, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो आप उसका वेट करें, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।